यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस अगस्त मंथ की शुरुआत होते ही फिर से एक बार बीडीएस मेंबर्स की मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने की गॉसिप स्टार्ट हो गई है, जिसका रीजन साउथ कोरियन डिफेंस मिनिस्टर का कल का दिया एक स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से आर्मी डिफेंस मिनिस्टर से काफी नाराज है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कोरियन डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद क्या बीडीएस अपनी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर लेंगे, ये सब हम आपको डिटेल में बताएं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे बीटीएस की कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, 14 जून को बीटीएस के ग्रुप ब्रेक और सोलो करियर के अनाउंसमेंट के बाद से ही ये गॉसिप स्टार्ट हो गई थी कि बीटीएस मेंबर्स जल्दी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए ही उन्होंने अपने ग्रुप ब्रेक की अनाउंसमेंट की है। लेकिन अब जैसे ही सभी मेंबर्स अपने सोलो करियर में बिजी हुए, वैसे ही एक बार फिर से कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से आए स्टेटमेंट ने ग्लोबल आर्मी को न सिर्फ परेशान किया है, बल्कि ग्लोबल आर्मी कोरियन गवर्नमेंट से काफी नाराज है। तो हुआ कुछ यूं कि कल अचानक कोरियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा कि बीटीएस मेंबर्स अपनी मिलिट्री सर्विस देते हुए अपने कॉन्सर्ट्स कर सकते हैं। इजी वर्ड्स में कहें तो कोरियन डिफेंस मिनिस्टर ली जोंग सब ने कहा कि बीटीएस अपनी मिलिट्री सर्विस के टाइम अपने ग्लोबल कॉन्सर्ट्स के लिए जा सकते हैं, यानी उन्हें उस टाइम के लिए लीव मिल जाएगी और कॉन्सर्ट के बाद वो वापस अपनी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। और जब से कोरियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है, जब से ग्लोबल आर्मी उनसे काफी नाराज है और कह रही है कि मिनिस्टर को क्या लगता है कि कॉन्सर्ट्स बच्चों के खेल हैं जो उन्हें लीव मिल जाएगी, कॉन्सर्ट के लिए 12 आवर्स की प्रैक्टिस के बाद उन्हें भी रेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ मनी से मतलब है कि उनकी इकोनॉमी पर इसका कोई इफेक्ट ना आए, चाहे इस हार्ड वर्क को करते हुए मेंबर्स की जान ही क्यों ना चली जाए। वहीं कुछ आर्मीज ने कहा कि कोरियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के साथ इतना क्रूअल कैसे हो सकती है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस स्टेटमेंट से ये तो क्लियर हो गया है कि अभी भी कोरियन गवर्नमेंट बीटीएस को सर्विस से एग्जेम्पशन नहीं दे रही है, यानी उन्हें अभी भी अपनी सर्विस के लिए जाना होगा। हालांकि अभी तक डिफेंस मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट के बाद से हाई लेवल्स ने ना ही कोई स्टेटमेंट दिया है और ना ही कोई अनाउंसमेंट की है, लेकिन हाई लेवल्स के प्रीवियस स्टेटमेंट पर नजर डालें तो वो भी यही चाहते हैं कि कोरियन गवर्नमेंट बीटीएस मेंबर्स को मिलिट्री सर्विस से एग्जेम्पशन दे दे। वहीं बीटीएस मेंबर्स भी अपनी सर्विस की वजह से अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वेल, एज अ बीटीएस आर्मी हम तो यही कहेंगे कि कोरियन मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट काफी सेल्फिश है, क्योंकि वो अपनी कंट्री के प्राउड मेंबर्स की हेल्थ से ज्यादा मनी पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगेयो।